हेलो ऑल, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बहुत ही छोटा सा और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट डिफरेंस, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में हमें पर्पल कलर के या फिर ब्लू कलर के दिखाई पड़ेंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक या फिर रेड कलर का दिखाई पड़ेंगे। होता क्या है, ग्राम स्टेनिंग में हम जो पहला स्टेन यूज़ करते हैं, पहली डाई यूज़ करते हैं, वो होती है क्रिस्टल वॉयलेट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो पॉलीमर है उसकी कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल वॉयलेट डाई को रिटेन करेगा। और फिर जब हम लास्ट में काउंटर स्टेन जो हमारा सैफ्रनिन होता है उसको यूज़ करते हैं तो ये उसको रिटेन नहीं करता है, क्रिस्टल वायलेट स्टेन को रिटेन करता है। और क्रिस्टल वायलेट स्टेन का जो कलर होता है वो पर्पल या फिर वायलेट कलर का होता है, जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें माइक्रोस्कोप से देखने पर जो हमारी स्लाइड है उसमें हमें पर्पल कलर के या फिर ब्लू कलर के दिखाई पड़ते हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की जो कंटेंट होती है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है बहुत थिन लेयर होती है, जिसकी वजह से जो ग्राम स्टेन जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन है उसको जो बैक्टीरिया रिटेन करता है, और उस रिटेन करने के बाद जो सेकेंड स्टेप हमारा होता है जिसमें हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, अल्कोहल की वजह से इसकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पोर्स बन जाते हैं। पोर्स बनने की वजह से जो हमारा क्रिस्टल वॉलेट स्टेन होगा वो पोर्स से निकल जाएगा, जिसकी वजह से ये डीकलराइज हो जाएंगे। और डीकलराइज होने के बाद जब हम काउंटर स्टेन यूज़ करेंगे सैफ्रनिन, तो सैफ्रनिन का कलर होता है पिंक, जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सैफ्रनिन स्टेन को रिटेन करेंगे और वो हमें माइक्रोस्कोप में पिंक कलर के दिखाई पड़ते हैं, पिंक या फिर रेड। तो ये मेजर डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें माइक्रोस्कोप में पर्पल कलर के दिखेंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें पिंक कलर के दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद जो सेकेंड डिफरेंस है हमारा वो देखेंगे सेल वॉल में। सेल वॉल जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वो रिजिड एंड सिंपल होगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल इलास्टिक और कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अलावा थिकनेस में भी आप डिफरेंस देख रहे हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो 20-30 नैनोमीटर थिक होती है और ग्राम नेगेटिव की 8-12 नैनोमीटर थिक होगी सेल वॉल। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल स्मूथ होती होगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वेवी होगी। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेप्टाइडोग्लाइकन की कंटेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफ़ी ज़्यादा होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर काफ़ी थिक होगी और मल्टी लेयर होगी, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंगल लेयर होगी और थिन लेयर होगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे टिकोइक एसिड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा। अब टिकोइक एसिड का जो फंक्शन है वो क्या है, टिकोइक एसिड बैक्टीरियोफास को बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उससे अटैचमेंट में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से टिकोइक एसिड बैक्टीरिया के सेल वॉल से एडहेरेंस में, बैक्टीरियोफास की सेल वॉल से एडहेरेंस में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट इसका है टिकोइक एसिड का, कि ये मैग्नीशियम आयंस की सप्लाई को प्रमोट करता है, क्योंकि टिकोइक एसिड मैग्नीशियम आयन से बाइंड कर जाएगा और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो सेल के अंदर फिर इसके थ्रू पहुँच जाते हैं। टिकोइक एसिड सेल डिवीज़न को भी रेगुलेट करता है,
तो ये तीन मेजर फंक्शंस हैं टिकोइक एसिड के, क्योंकि टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड एब्सेंट है। फिर नेक्स्ट है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में या तो एब्सेंट होता है या तो बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि सेल वॉल के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन जो पाई जाती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होगी, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर की सरफेस पे एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बहुत सी एंटीबायोटिक्स के एक्शन से बचाती है, जिस वजह से जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पे वो कोई इफेक्ट नहीं डालती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो पेनिसिलिन से किल हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है वो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो ये काई जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बहुत सी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पोरिंस। पोरिंस प्रोटीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि लिपोपॉलीसैकेराइड कंटेंट ग्राम पॉजिटिव में जनरली एब्सेंट होगी और ग्राम नेगेटिव में लिपोसैकेराइड एलपीएस कंटेंट बहुत हाई बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी। लिपोप्रोटीन कंटेंट ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लो होगा इसका कंटेंट, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड की कंटेंट ज़्यादा होगी। तो आपको जनरली तीन जो मेजर पॉइंट याद रखने हैं, वो पहला होगा ग्राम स्टेनिंग का, दूसरा पॉइंट होगा पेप्टाइडोग्लाइकन से कोरिलेट करना कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर किस में थिक होती है और किस में थिन होती है, और थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना होगा कि लिपिड कंटेंट ग्राम पॉजिटिव में कम होगी और ग्राम नेगेटिव में लिपिड कंटेंट ज़्यादा होगी। तो ये तीन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको हमेशा याद रखने होंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंस में। फिर नेक्स्ट है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स ग्राम पॉजिटिव में काफ़ी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, जबकि ग्राम नेगेटिव में वो लेस प्रोमिनेंट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैजुलर स्ट्रक्चर। फ्लैजुला का जो स्ट्रक्चर होगा ग्राम पॉजिटिव में, दोनों में डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के फ्लैजुला में बेसल बॉडी में दो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में बेसल बॉडी में चार रिंग्स प्रेजेंट होगी। जो चार रिंग्स हैं ग्राम नेगेटिव में उनके नाम होंगे एल पी एस और एम रिंग। तो चारों रिंग एल पी एस एंड एम ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ एस और एम रिंग प्रेजेंट होंगी फ्लैजुला में। नेक्स्ट है टॉक्सिन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं वो होंगे एक्सोटॉक्सिन्स, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स दोनों ही सिक्रीट करते हैं, और जनरली ये एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है पैथोजन। पैथोजन में देखेंगे कि जो मेनली जो पैथोजेंस होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह मेजर रीज़न होता है इनकी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, और इसमें जो दो मेजर जो मेजर कंटेंट होती है इसकी वो होती है लिपिड ए एंड ओ एंटीजेंस। ये दोनों जो होती हैं वो इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए इन्वॉल्व होती हैं, जबकि जो फ्यू बैक्टीरिया जो होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव ग्रुप के होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं, तो जो मोस्ट पैथोजेंस होते हैं वो ग्राम नेगेटिव ग्रुप को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स।
एंटीबायोटिक्स के लिए देखिए, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो जल्दी एंटीबायोटिक्स से किल होंगे, वो मोर ससेप्टिबल होंगे, मतलब जो एंटीबायोटिक्स जो होंगी उन पे जल्दी अटैक करेंगी, उनको जल्दी किल कर देंगी। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। इसका रीज़न ही वही आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन की वजह से जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इन पे असर नहीं कर पाती हैं। सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि मैंने बताया था कि पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव होते हैं, पेनिसिलिन से किल हो जाएंगे, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से किल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेंसिटिविटी टू स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल एंड टेट्रासाइक्लिन। अब ये इसका अपोजिट है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ये एंटीबायोटिक्स अपना असर कम दिखाती हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन एंटीबायोटिक्स से जल्दी किल होंगे, वो इनके लिए ससेप्टिबल होंगे। नेक्स्ट है डाइजेशन बाय लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होता है जो कि जो एनिमल्स होते हैं उनके इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है, डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट होता है। लाइसोजाइम जो एंजाइम जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल कर देता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, जनरली इससे लाइसोजाइम से वो बच जाते हैं। जैसे टीयर्स में देखिएगा आप, आंसू में लाइसोजाइम होता है, तो ये भी एक डिफेंस का ही एक पार्ट है बॉडी के। एग्जाम्पल्स देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के। ग्राम पॉजिटिव का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो स्टेफाइलोकोकस जीनस स्ट्रेप्टोकोकस। ग्राम नेगेटिव का देखिए ई कोलाई सैल्मोनेला, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप, इस इमेज में आप देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आपको ये लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन की बनी हुई आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको दिख रही होगी, और ये पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर है वो ग्राम पॉजिटिव में थिक है जबकि ग्राम नेगेटिव में ये थिन है। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस कितना ज़्यादा है देखिए ग्राम नेगेटिव में, और ग्राम पॉजिटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस कितना थोड़ा सा है। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड प्रेजेंट है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बहुत थोड़ा सा है, जबकि ग्राम नेगेटिव में देखिए ओ एंटीजेंस प्रेजेंट हैं, पोरिंस प्रोटीन प्रेजेंट हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बहुत थिन है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कितना ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमने देख लिया। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।